नमस्ते, मैं रजत हूं और आप देख रहे हैं thelalandtop.com। उनाव रेप केस में पीड़िता के साथ हुए सड़क हादसे की बड़ी जानकारियां अब सामने आ रही हैं। लखनऊ रेंज के एडीजी राजीव कृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवालों के जवाब दिए हैं। ये हादसा 28 जुलाई को रायबरेली में हुआ था। पीड़िता एक कार से रायबरेली जेल में बंद अपने चाचा से मिलने जा रही थी। कार में उसके साथ उसकी मौसी, चाची और एक वकील भी थे। दोपहर में एक ट्रक ने गुरुबख्शगंज के अतरुआ गांव के पास इस कार को टक्कर मार दी। इस टक्कर में पीड़िता की मौसी और चाची की मौत हुई है। पीड़िता और उसके वकील दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। दोनों को लखनऊ के ट्रामा सेंटर में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। डॉक्टरों के मुताबिक पीड़िता के फेफड़ों में अंदरूनी चोटें लगी हैं। इसके अलावा उसकी दाहिनी कॉलर बोन, दाहिना हाथ और जांघ में फ्रैक्चर हुआ है। ब्लड प्रेशर भी काफी गिर रहा है। डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह गिरते ब्लड प्रेशर को रोका जा सके। वहीं पीड़िता के वकील महेंद्र सिंह की हालत और भी गंभीर बताई जा रही है। इस हाई प्रोफाइल मामले में कुछ बड़ी बातें सामने आई हैं, जिससे इस हादसे पर शक बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर विस्तार से जानकारी दी है। हर उठने वाले सवाल के बारे में अपनी ओर से जवाब दिया है। पुलिस की दी जानकारी कितनी सटीक है और कितनी अंदाजन, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन कुछ बड़े सवाल हैं जिसके बारे में पुलिस ने बयान दिया है। जैसे पहली बात कि ट्रक के नंबर प्लेट पर कालिख क्यों पुती हुई थी। जिस ट्रक से टक्कर हुई है उसके नंबर प्लेट पर कालिख पुती हुई थी, सिर्फ UP 71 लिखा हुआ दिख रहा था। ड्राइवरों ने कहा कि यह हादसा ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ है। इसके अलावा इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले में किसी भी भूमिका से वो इनकार कर रहे हैं। ट्रक के पीछे वाली जो नंबर प्लेट थी उस पर पेंट नहीं हुआ था, वो साफ थी, वो दिख रही थी। इस पर ADG राजीव कृष्ण ने कहा कि ट्रक मालिक के मुताबिक ट्रक की पहचान छुपाने के लिए ये कालिख पोती गई थी। जो गाड़ी का नंबर प्लेट हाइड करने के बारे में गाड़ी के मालिक का ये कहना है कि उसने गाड़ी फाइनेंस करा रखी थी और फाइनेंस जिन लोगों से कराई थी उन लोगों को उसने पैसे नहीं दिए थे, इस वजह से उसने गाड़ी का नंबर हाइड किया हुआ था, जिससे कि उसको वो लोग गाड़ी पकड़कर पूछताछ न करें। ट्रक के ड्राइवर, क्लीनर और ट्रक के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीन को रिक्रिएट करवाया जा रहा है ताकि और गहराई से इस मामले को जांचा जा सके। इसके अलावा एक दूसरा सवाल है कि गनर साथ क्यों नहीं थे। पीड़िता के परिवार को 9 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा मिली हुई है। इसमें से 6 घर पर तैनात रहते हैं, वहीं 3 हमेशा पीड़िता के साथ रहते हैं, 2 महिला कांस्टेबल और 1 पुरुष गनर। पीड़िता दिल्ली में रहती है, इसलिए ये तीनों भी दिल्ली में ही साथ रहते थे। पीड़िता 20 जुलाई को ही वापस उन्नाव लौटी थी। जब हादसा हुआ तो उस वक्त तीनों में से कोई भी साथ नहीं था। ये सुरक्षा के लिहाज से भारी चूक थी। इस पर पुलिस ने अपना जवाब दिया है और कहा है कि कार में जगह नहीं थी, इसलिए पीड़िता ने कार में गनर को नहीं बिठाया। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए ADG ने कहा कि Z और Z प्लस कैटेगरी में ही वाहन की सुरक्षा मिलती है। पीड़िता को जिस श्रेणी की सुरक्षा मिली थी उसमें सुरक्षा कर्मियों को एस्कॉर्ट व्हीकल या गाड़ी सुरक्षा कर्मियों को साथ में नहीं मिलती। हमारे अधिकारियों की उन सुरक्षा कर्मियों से बात हुई है। सुरक्षा कर्मियों ने ये बताया है कि कल जब ये जाने लगे तो ये छोटी गाड़ी जो इनकी स्विफ्ट डिजायर है, उन्होंने कहा कि इसमें 4 लोग हम लोग जा रहे हैं और 1 किसी आदमी को रायबरेली से पिकअप करेंगे, तो हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए आज जाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा सुरक्षा कर्मियों ने बताया है। फिर भी इस पूरे मामले में कि सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं गए, इनका क्या वर्जन है, उनका क्या वर्जन है, उन सब चीजों की गहराई से जांच करने के लिए मेरे द्वारा SP उन्नाव को आदेश दे दिए गए। तीसरा बड़ा सवाल कि केस कब दर्ज होगा। 28 जुलाई की दोपहर को हादसा हुआ था। करीब 24 घंटे बीत जाने के बाद भी मामले में FIR नहीं हुई थी। पुलिस का कहना था कि अगर कोई परिजन शिकायत करता है तो मामला दर्ज होगा। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अब पीड़िता के चाचा ने शिकायत दर्ज की है। पीड़िता के चाचा इस समय रायबरेली जेल में बंद है। साथ ही इस केस को उसने CBI को सौंपने की अर्जी भी दी है। FIR में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का नाम है। IPC की धारा 302, 307, 506, 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कुलदीप सिंह सेंगर के अलावा उसके भाई और 15 से 20 अन्य अज्ञात लोगों पर भी ये मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस का कहना है कि कुलदीप सिंह सेंगर के करीबियों और ट्रक के ड्राइवर, मालिक और क्लीनर के फोल्ड डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं। 28 जुलाई के हादसे से कुछ दिन पहले ही पीड़िता ने जिला प्रशासन को शिकायत सौंपी थी। कहा था कि उस पर मामला वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि जांच CBI कर रही थी, इसलिए 20 जुलाई को CBI पीड़िता के गांव पहुंची थी। पीड़िता ने CBI के सामने ऐसे हमले होने का अंदेशा जताया था। इस सड़क हादसे से पहले भी उन्नाव रेप केस में ऐसी घटनाएं हुई हैं। गौरतलब है कि 2018 में पीड़िता के पिता की मौत जेल में हुई थी, उस पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा हुआ था। खबरें आई थी कि विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई ने जेल में पीड़िता के पिता को पीटा था। पिता की मौत से जुड़े मामले में गवाह यूनुस खान की भी मौत संदिग्ध हालातों में हुई थी। पीड़िता के परिवार ने इस पूरी घटना का आरोप सीधे सीधे कुलदीप सिंह सेंगर पर लगाया है। पीड़िता की मां ने कहा कि कचहरी में सेंगर के गुंडे धमकाते थे।
हमको पता चला है कि विधायक के मनाई करा दिया और इसकी किसने बताई ये बात के विधायक जी ने? हमको ऐसे मालूम हुआ कि मगर भी बहुत दिन से कहते थे इनके बत्ता मजा बत्ता मानी जाए तो रहे तो सजा भाई है अभी ये मर जाए इसकी वाइफ तो सब लोग अंदर चले जाए माता पेट तो चली जाए पेट तक माँ चली जाए अंदर। हाँ विधायक ने करवाया विधायक कुलदीप सिंह का। फिलहाल पीड़िता खतरे से बाहर है लेकिन सपोर्ट सिस्टम पर ही उसे रखा गया है। वकील की हालत ज्यादा गंभीर है। एक्सीडेंट की फॉरेंसिक जांच के बाद इस मामले में नए खुलासे होंगे और जो भी खुलासे होंगे दी ललन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा। आप देखते रहिए पढ़ते रहिए dlalantop.com। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें और हमारी सारी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए डाउनलोड करना ना भूलिएगा दी ललन टॉप की एंड्रॉयड ऐप। शुक्रिया।